हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है गोल गोल का मीनिंग होता है लक्ष्य गोल गोल का मीनिंग होता है लक्ष्य फॉर एग्जाम्पल माई गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है माई गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर बीट बीट का मीनिंग होता है पीटना डोंट बीट हिम उसे मत पीटो डोंट बीट हिम गैदर गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा होना फॉर एग्जाम्पल वी आर गैदर टू सेलिब्रेट दिवाली वी आर गैदर टू सेलिब्रेट दिवाली हम दिवाली मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी का मीनिंग होता है अवसर या मौका फॉर एग्जाम्पल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी मुझे ये अवसर देने के लिए शुक्रिया थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी रिस्क रिस्क का मीनिंग होता है खतरा या जोखिम फॉर एग्जाम्पल यू आर पुटिंग ऑल ऑफ अस एट रिस्क तुम हम सभी को जोखिम में डाल रहे हो यू आर पुटिंग ऑल ऑफ अस एट रिस्क फार फार का मीनिंग होता है दूर फॉर एग्जाम्पल हाउ फार इज योर होम आपका घर कितनी दूर है हाउ फार इज योर होम पीस पीस का मीनिंग होता है सुकून या चैन फॉर एग्जाम्पल लेट मी लिव पीसफुली लेट मी लिव पीसफुली मुझे सुकून से जीने दो लेट मी लिव पीसफुली अगला वर्ड है spoil। spoil का मीनिंग होता है ख़राब फॉर एग्जाम्पल डोंट स्पॉयल योर लाइफ अपनी जिंदगी खराब मत करो डोंट स्पॉयल योर लाइफ प्रोवोक प्रोवोक का मीनिंग होता है भड़काना या उकसाना फॉर एग्जाम्पल डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी मुझे भड़काने की कोशिश मत करो डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी Hidden。 हिडन का मीनिंग होता है छुपा हुआ फॉर एग्जाम्पल शो मी योर हिडन टैलेंट मुझे अपना छुपा हुआ टैलेंट दिखाओ शो मी योर हिडन टैलेंट इनफॉर्म इनफॉर्म का मीनिंग होता है सूचना देना यू शुड इन फॉर्मर्स आपको हमें सूचित करना चाहिए यू शुड इनफॉर्मर्स पेन पेन का मीनिंग होता है दर्द आई हैव अ सीवियर पेन इन माई टीथ मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है आई हैव अर पेन इन माई टीथ मेरे दांत में बहुत ज्यादा दर्द है एक्चुअल एक्चुअल का मीनिंग होता है वास्तविक या असली टेल मी द एक्चुअल रीजन मुझे असली कारण बताओ टेल मी द एक्चुअल रीजन मुझे असली कारण बताओ अगला वर्ड है मैनेज मैनेज का मतलब होता है संभालना फॉर एग्जाम्पल आई विल मैनेज बाय माई सेल्फ आई विल मैनेज बाय माई सेल्फ मैं खुद संभाल लूंगा I will manage by myself. अगला वर्ड है mystery. Mystery का मीनिंग होता है रहस्य For example, it's a mystery. ये एक रहस्य है It's a mystery. ये एक रहस्य है Behavior. Behavior का मतलब होता है बर्ताव Her behavior is very nice. Her behavior is very nice. उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा है Her behavior is very nice. कंट्रोल कंट्रोल का मीनिंग होता है नियंत्रण फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ कंट्रोल योर एंगर कृपया अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें या अपने गुस्से पर काबू रखें प्लीज़ कंट्रोल योर एंगर फॉर्चुनेट फॉर्चुनेट का मीनिंग होता है भाग्यशाली यानी कि लकी होना फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी फॉर्चुनेट आप बहुत भाग्यशाली हैं यू आर वेरी फॉर्चुनेट आप बहुत भाग्यशाली हैं अगला वर्ड है प्रिपेयर Prepare का मीनिंग होता है तैयारी करना वी शुड प्रिपेयर फॉर our एग्ज़ाम हमें अपनी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए वी शुड प्रिपेयर फॉर our एग्जाम Spend, स्पेंड का मीनिंग होता है बिताना आई वॉन्ट टू स्पेंड सम विथ यू आई वॉन्ट टू स्पेंड सम विथ यू मैं आपके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ अगेंस्ट अगेंस्ट का मीनिंग होता है के खिलाफ यू शुड नॉट गो अगेंस्ट योर फादर आपको अपने पिता के खिलाफ नहीं जाना चाहिए यू शुड नॉट गो अगेंस्ट योर फादर अगला वर्ड है purpose. Purpose का मीनिंग होता है इरादा या मकसद फॉर इज योर आपका इरादा क्या है वॉट इज योर परपज आपका इरादा क्या है अगला वर्ड है इंकरेज इंकरेज का मीनिंग होता है प्रोत्साहित करना बढ़ावा देना फॉर एग्जाम्पल माई मदर ऑलवेज इंकरेज मी मेरी माँ हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती है माई मदर ऑलवेज इंकरेज मी प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट का मीनिंग होता है रक्षा करना फॉर एग्जाम्पल आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू डिफरेंस डिफरेंस का मीनिंग होता है अंतर फॉर एग्जाम्पल देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग कहने और करने में बहुत अंतर होता है इसका मतलब है कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है अगला वर्ड है अलाव अलाव का मीनिंग होता है अनुमति देना अलाउ अनुमति फॉर एग्जाम्पल हु अलाउड यू टू कम हियर हु अलाउड यू टू कम हियर आपको यहाँ आने की अनुमति किसने दी हु अलाउड यू टू कम हियर अगला वर्ड है अपसेट अपसेट का मीनिंग होता है निराश या परेशान होना फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू अप सेट तुम परेशान क्यों हो वाई आर यू अप सेट अगला वर्ड है इनविजिबल इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य जो दिखाई ना दे फॉर एग्जाम्पल गॉड इज इन विजिबल ईश्वर अदृश्य है गॉड इज इनविजिबल अगला वर्ड है च्वाइस च्वाइस का मीनिंग होता है विकल्प फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनी च्वाइस मेरे पास कोई विकल्प नहीं है आई डोंट हैव एनी च्वाइस रिटर्न रिटर्न का मतलब होता है लौटना या वापस आना आई विल रिटर्न योर मनी आई विल रिटर्न योर मनी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा आई विल रिटर्न योर मनी फोकस फोकस का मीनिंग होता है ध्यान लगाना यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए अगला वर्ड है डिसीजन डिसीजन का मतलब होता है फैसला फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई फाइनल डिसीजन ये मेरा आखिरी फैसला है दिस इज माई फाइनल डिसीजन लास्ट वर्ड है अलोन अलोन का मीनिंग होता है अकेला फॉर एग्जाम्पल लीव मी अलोन मुझे अकेला छोड़ दो लीव मी अलोन तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही आई होप कि आपने कुछ नया सीखा हो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग